इंदौर में भाजपा नेता की पत्नी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भाजपा नेता मोनू कल्याणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तभी से मृतक की पत्नी डिप्रेशन में थी। दरअसल मामला इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र के उषा फाटक का। यहां रहने वाले भाजपा नेता मोनू कल्याणी की 5 जून को आपसी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मोनू कल्याणी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक थे। पति मोनू कल्याणी की मौत के बाद दीपिका डिप्रेशन में रहा करती थी। सुबह दीपिका कल्याणी का शव उनके ही घर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भिजवा दिया। भाभी है मेरी, बड़ी भाभी है। क्या नाम है? दीपिका कल्याणी। कब इन्होंने सुसाइड किया है और आप लोग कैसे क्या सूचना मिली? ये सुबह उठे, आराम से चाय वाय बनी, चाय पी और ऊपर एकदम कमरे से ऊपर बड़ी वाली भाभी गए तो उन्होंने देखा कि भाभी से लटके हुए। क्या कारण था सुसाइड करने? रोते रहते थे, जैसे पता है मोनू भैया की गोली मारकर हत्या हुई तो उनका कब हत्यारो कब सजा हो उसके लिए रोते भी लटते रहते थे। बस यही कारण था, डिप्रेशन था कि बस भैया के से सजा कब मिलेगी, कब होगा निराकरण। पूरा नाम क्या था, कितनी उम्र? दीपिका मोनू कल्याण है, 32 साल उम्र। कोई कुछ नहीं, बस डिप्रेशन था कि भैया को कब मिलेगी, भैया के हत्यारों को सजा फांसी कब होगी, इस वजह से डिप्रेशन में आकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया। हाँ, सुबह सुबह घटना संज्ञान में आई हुई थी जिसमें से दीपिका कल्याणी नाम की महिला के द्वारा फांसी का फंदा लगा लिया गया है जिसमें से उसकी मृत्यु हो गई है। परिजन लोग MIH लेकर के गए थे जहाँ पर डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस संपूर्ण जांच कर रही है और सारे साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। अभी तक किसी पर का शक सबूत जाहिर नहीं किया गया है। पूर्व में जो मृतिका है उसके पति का मर्डर हुआ था 6वें महीने पर, तो वो घटना भी संज्ञान में लेकर के और पूरी मर्ग जाँच की जा रही है। अभी परिजनों के द्वारा किसी प्रकार का शक सवाल नहीं किया गया है। अभी जो शंका जाहिर की जा रही है वही की जा रही है कि पति की मृत्यु के बाद थोड़ा सा गुपचुप तरीके से रहती थी और हो सकता है कि वो कारण हो। नहीं, किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला हुआ है। बाकी सभी एंगलों पे हमारी मर्ग जाँच चल रही है। ग्रामीण भारत TV के लिए इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।